अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मंसूर आज़म है और मैं डाओ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। सो लास्ट टाइम हमने लिपिड्स का टॉपिक पढ़ा था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, दैट इज़ न्यूक्लियाइक एसिड। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक फिजिशियन था जिसका नाम था फ्रेडरिक मिशर, उसने एक नया कंपाउंड आइसोलेट किया पस सेल के न्यूक्लियस से। अब लाइक कोई इन्फेक्शन हो जाता है ना, उसमें पस मौजूद हो जाता, इन्फेक्शन हो रहा होता है तो उसमें इन्फेक्शन के बाद एक तरह से पस बन जाती है। तो उसने एक पस सेल था, उस पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर से एक नया कंपाउंड अलग किया। वो नया कंपाउंड क्या था? वो नया कंपाउंड ऐसा था कि अभी तक जितने भी कंपाउंड डिस्कवर किए गए थे ना, उनसे अलग था। तो इसी वजह से उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन रख दिया। न्यूक्लिन का मतलब होता है कोई चीज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है। और फिर बाद में उन्हें पता चला कि जो न्यूक्लिन है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो एसिड की तरह है। यानी कि जिस तरह एसिड बिहेव करता है, ये भी उसी की तरह बिहेव कर रहा है। इसीलिए बाद में उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियाइक एसिड रख दिया। तो सवाल आता है कि न्यूक्लियाइक एसिड किसने डिस्कवर किया था, आइसोलेट किया था? फ्रेडरिक मिशर ने आइसोलेट किया था। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। और कहाँ से किया था? फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। फिर न्यूक्लियाइक एसिड क्या होते हैं यार? न्यूक्लियाइक एसिड जो होते हैं पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बने, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम सब यूनिट भी कहते हैं, मोनोमर्स भी कहते हैं। तो न्यूक्लियाइक एसिड जो होते हैं ये पॉलीमर्स होते हैं। किस चीज़ के पॉलीमर्स हैं? कुछ मोनोमर्स के। मोनोमर्स क्या होता है? वो मोनोमर ऐसा होता है कि उसके अंदर 5 कार्बन पे बेस एक शुगर कंपाउंड होता है। यानी कि ये एक शुगर है जिसमें 5 कार्बन होंगे, 1, 2, 3, 4। सो क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियाइक एसिड होता है उसमें एक शुगर होती है जिसके में 5 कार्बन होते हैं। तो हम कहेंगे कि 5 कार्बन बेस शुगर कंपाउंड होता है, ठीक है, और उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। सो तो न्यूक्लियाइक एसिड तो पॉलीमर है, उसका मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। मोनो यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा एक जो स्ट्रक्चर है इसको हम पूरे एक न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। मैं इसको भी समझाने जा रहा हूँ। और जो पूरे एक न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो आपस में मिलते हैं, आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं, उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल रहे होते हैं उनको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। यानी कि एक न्यूक्लियाइक एसिड दूसरे न्यूक्लियाइक एसिड के साथ एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए अटैच हो जाएगा। तो न्यूक्लियाइक एसिड जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है। ये जो पॉलीमर्स होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है बहुत हाई होता है, और ये हर लिविंग सेल के अंदर होते हैं। ना सिर्फ लिविंग सेल के अंदर होते हैं बल्कि वायरस के अंदर भी होते हैं। देखिए वायरस को हम लोग ना लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में कंसिडर करते हैं, तो ये इवन के न्यूक्लिक एसिड उसके अंदर भी पाए जाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, उनके 2 टाइप्स होते हैं। या तो डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड होगा जिसको हम DNA कहते हैं, या राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा जिसको हम RNA कहते हैं। तो इनके फर्क भी आखिर मैं बताऊंगा ये टॉपिक पूरा पढ़ाने के बाद। डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड को हम DNA कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड को हम RNA कहते हैं। दोनों न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ना ये लीनियर होते हैं, यानी कि इनके न्यूक्लियोटाइड जो होंगे ना वो एक ही लाइन में सारे अरेंज होंगे, अनब्रांच होते हैं, इनकी कोई ब्रांचिंग नहीं होती, पॉलीमर्स होते हैं। DNA जो है पॉलीमर तो है, लेकिन किसका पॉलीमर है? डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक का, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड तो होगा DNA में, लेकिन ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक होगा। ये डीऑक्सीरिबो क्या होता है यार? डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक ऐसा न्यूक्लियोटाइड होगा कि जिसमें ये जो कार्बन है ना, ये जो शुगर है, शुगर जो 5 कार्बन वाला शुगर है, उसमें ना एक OH ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबो शुगर में एक OH ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, एक ऑक्सीजन कम होगा, बल्कि OH नहीं, सिर्फ एक ऑक्सीजन कम होगा। तो नॉर्मली ये वाला जो ऑक्सीजन होता है ना सेकंड कार्बन पे, ये वाला ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA के अंदर और RNA के अंदर फ़र्क क्या होगा? उसमें से एक फ़र्क ये है कि जो शुगर है ना, जो राइबोज शुगर है, 5 कार्बन वाली शुगर को हम राइबोज शुगर कहते हैं। तो जो 5 कार्बन वाली राइबोज शुगर है जो कि न्यूक्लियोटाइड बना रही है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो एक कम होगा, क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में एक जो न्यूक्लियोटाइड होगा उस न्यूक्लियोटाइड में एक ऑक्सीजन कम होगा, और RNA के अंदर पूरे के पूरे ही ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम DNA का जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक कहते हैं, और RNA वाले का जो होता है उसको हम राइबोन्यूक्लिक कहते हैं, ठीक है। तो DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक से मिलकर बनता है, और RNA राइबोन्यूक्लिक से मिलकर बनता है। और हम न्यूक्लियोटाइड के कंपोजिशन की बात करें कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं यार? मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर एक पेंटोज शुगर होती है, यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर होती है, उसके साथ साथ एक नाइट्रोजीनस बेस अटैच होती है, ठीक है, एट इट्स फर्स्ट कार्बन, जो पहला कार्बन है, ये पहला कार्बन है। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर देखें, ये एक हमारी हो गई पेंटोज शुगर जिसको हम राइबोज शुगर भी कहते हैं RNA में, और डीऑक्सीराइबोज कहते हैं DNA में, ठीक है। तो ये
एक शुगर का कंपाउंड होता है पेंटोज शुगर, उसके साथ कार्बन नंबर 1 पे इस पोजीशन पे लगी होती है एक नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, और उसके साथ साथ कार्बन नंबर 5th होती है ना, वहाँ पे फॉस्फेट आयंस होते हैं, कार्बन नंबर 5th है और इसके साथ क्या अटैच है, फॉस्फेट आयंस अटैच होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड होता है, अगर उसके अंदर से हम फॉस्फेट रिमूव कर दें, सो ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर फॉस्फेट ना हो बल्कि सिर्फ नाइट्रोजिनस बेस हो और साथ में ये पेंटोज शुगर हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। एमसीक्यूज होता है कि भाई न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोसाइड जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ राइबोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ पेंटोज शुगर जिसमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों शुगर आ जाएंगी और नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट उसके अंदर नहीं होता, किसमें, न्यूक्लियोसाइड के अंदर। तो डीएनए और आरएनए जो है ना, इसमें चार तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड तो मैंने बता दिया, लेकिन न्यूक्लियोटाइड भी चार तरह के होते हैं। अब ये कैसा सवाल है, जो डीएनए और आरएनए जो है चार तरह के न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और जो टाइप्स होती हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं दो ग्रुप में, ठीक है, बल्कि न्यूक्लियोटाइड्स को फर्दर ग्रुप डिवाइड करते हैं पाँच में, ठीक है। और ये किस पे करते हैं, विच आर वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। भाई अगर न्यूक्लियोटाइड के साथ जो अलग अलग नाइट्रोजिनस बेस लगा होगा ना, उसकी बेसिस पे हम न्यूक्लियोटाइड की टाइप्स बना देते हैं, ठीक है। सो देर आर टू ग्रुप्स ऑफ बेस, जो नाइट्रोजिनस बेस लगा हुआ है हमारा ये वाला, इसकी दो ग्रुप्स होते हैं, प्यूरिन्स भी होते हैं, पायरिमिडिन्स भी होते हैं। यार ये प्यूरिन्स और पायरिमिडिन में फ़र्क क्या है, प्यूरिन्स वो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं जिनके अंदर दो रिंग्स होंगे, प्यूरिन्स आर डबल रिंग, प्यूरिन्स के अंदर डबल रिंग होते हैं और पायरिमिडिन जो होता है वो सिंगल रिंग वाला होता है। तो ये एमसीक्यू उसका पॉइंट है कि प्यूरिन्स जो हैं डबल रिंग वाले होते हैं, पायरिमिडिन उस पायरिमिडिन में सिर्फ एक रिंग होगा, ठीक है। तो प्यूरिन्स आर डबल रिंग, पायरिमिडिन आर डबल रिंग्स। प्यूरिन जो है ना, प्यूरिन की फर्दर दो टाइप्स हैं, प्यूरिन्स के अंदर दो आते हैं, इसमें एक एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है, जबकि पायरिमिडिन जो होता है उसमें तीन नाइट्रोजिनस बेस आ जाते हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरैसिल। तो CTU जो है वो इनके अंदर आ जाता है, साइटोसिन, थायमिन और यूरैसिल जो है हमारा वो पायरिमिडिन के अंदर आता है और प्यूरिन्स के अंदर एडेनिन एंड ग्वानिन आते हैं, ठीक है। सो अब इनके स्ट्रक्चर यहाँ बुक में शो नहीं किए गए तो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, हम मोनो न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। नॉर्मली जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना न्यूक्लिक एसिड में, वो पॉली न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल रहे होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके पॉली न्यूक्लियोटाइड बना रहे होते हैं। तो जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं मोस्टली वो पॉली न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं, लेकिन कभी कभी एक ऐसा कम मॉलिक्यूल भी होता है जिसमें सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है जो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है एज अ मोनो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर एक राइबोज शुगर होगी, एक एडिनोसिन का ग्रुप होगा, ठीक है, यानी कि एक नाइट्रोजिनस बेस होगी, ठीक है, एक राइबोज शुगर होगी और एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा। तो हम इनको कहेंगे कि यार ये क्या है, मोनोन्यूक्लियोटाइड है, और दीज मोनोन्यूक्लियोटाइड हैव एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप एज ADP एडिनोसिन फॉस्फेट और ADP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दीज मोनोन्यूक्लियोटाइड हैव एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप, इनके अंदर एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, और एज ADP एडिनोसिन फॉस्फेट और ATP एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ATP जो होता है एक एनर्जी स्टोरिंग के लिए यूज़ होता है, यानी कि जो ATP और ADP एग्जांपल है मोनोन्यूक्लियोटाइड की। इसके साथ साथ ये जो एनर्जी होती है ATP की, उसको हम बहुत सारे प्रोसेस में यूज़ करते हैं और बहुत सारे रिएक्शंस में यूज़ करते हैं, जैसे प्रोटीन बनाने में, लिपिड्स बनाने में, कार्बोहाइड्रेट बनाने में, और मैकेनिकल एनर्जी जो साइक्लोसिस जो मूवमेंट्स होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर उसके लिए, कॉन्ट्रैक्टिलिटी सेल डिवीजन के लिए और फ्लैजेला की मूवमेंट के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, और ATP को ADP में ओके। अब जब ATP जो होता है टूटता है ना, तो ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एक एडिनोसिन, ठीक है, उसके साथ तीन फॉस्फेट लगे होंगे, तो ये होगा ATP। लेकिन जब ATP टूटता है तो वो बन जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि उसके अंदर एडिनोसिन होता है, ये शुगर भी होती है, बट फॉस्फेट का एक ग्रुप अलग हो जाता है और दो वापस रहते हैं। सो ATP टूटता है ADP में, ठीक है, और उससे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, यानी एक मोल जब टूटता है तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है ATP से, या फिर कहें अगर किलो जूल की मैं बात करें तो 31.81 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अगर हम डाई न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो डाई न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो दो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं, विच आर बॉन्डेड कोवेलेंटली टुगेदर, और क्या बनाते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो NAD है, निकोटीन अमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये स्ट्रक्चर है उसका, जिसमें एक निकोटीन अमाइड होता है, ठीक है, ठीक है, ये एक तरह का विटामिन है, और उसके साथ लगे होते हैं हमारे दो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया हमारा, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर ये, और एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर हो जाएगा। सो एक विटामिन होता है निकोटीन अमाइड, उसके साथ दो न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं और क्या बनाते हैं, निकोटीन अमाइड या निकोटीन अमाइड
एडीनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड या निकोटिनामाइड, एडेनिन भी इसको कहते हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और ये क्या है, डाइन्यूक्लियोटाइड है, एनएडी क्या है, डाइन्यूक्लियोटाइड है, हम सीक्वेंस में पूछ सकते हैं। एनएडी का काम क्या है, ये एक कोएंजाइम के यूज़ पे के कोएंजाइम के तौर पे रिडॉक्स रिएक्शन में काम करता है। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है। सो एनएडी जो होता है एक रिडॉक्स रिएक्शन में कोएंजाइम के तौर पे काम करता है, यानी कि एक रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। और इसमें क्या करता है, इट कैरीज टू इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, दो प्रोटॉन को कैरी करता है। और इसकी एग्जांपल क्या है, NADH2 एंड FADH2। सो NADH2 और FADH2 इसकी एग्जांपल हैं। और NAD अपने साथ दो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, ठीक है, और दो प्रोटॉन कैरी करता है। और ये उसका स्ट्रक्चर था कि एक विटामिन होता है उसके साथ, ये हमारा एक हो गया न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप और एक और न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप, तो दो न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप इसमें लगे होते हैं, ठीक है। अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात करें, ठीक है, कि दो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं बाय अ बॉन्ड इन न्यूक्लिक एसिड, दो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं एक बॉन्ड की मदद से, जिसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द बैक बोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो न्यूक्लिक एसिड के स्टैंड्स का बैक बोन होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ दो तो आपकी न्यूक्लिक एसिड जो है वो अलग अलग टूट जाएगा। इट इज़ अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। ये कब बनता है, ये उस वक्त बनता है कि जब रिएक्शन होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, यानी ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें बॉन्ड बनता है और वाटर रिलीज होता है बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं ना, ये रिएक्शन करता है हमारे OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स के साथ और फिर क्या बनाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है। इट इज डिफाइंड है, इसको हम डिफाइन करेंगे, एक ऐसा केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन एग्जैक्टली टू OH ग्रुप इन अ फॉस्फेरिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल ऑफ शुगर फॉर्मिंग एस्टर बॉन्ड। यानी कि होता ये है कि जो फॉस्फेट होता है ना, वो फॉस्फेरिक एसिड की फॉर्म में होता है, वो रिएक्ट करता है टू OH ग्रुप के साथ। एक OH ग्रुप होगा कार्बन नंबर 3 पे एक एक शुगर के अंदर, और दूसरा OH ग्रुप होगा कार्बन नंबर 5 दूसरे उसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि अगर एक ये जो कार्बन है पेंटोज शुगर है और ये एक और पेंटोज शुगर है, तो एक पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा OH ग्रुप के साथ, और एक कार्बन नंबर 5 के OH ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और ये एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। इन दिस बॉन्ड 3 कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर इज लिंक्ड विद 5 कार्बन। इस बॉन्ड के जरिए क्या होता है कि 3 कार्बन जो होती है एक शुगर की, वो 5 कार्बन के साथ लिंक्ड हो जाती है, चाहे DNA में हो या RNA में हो, विद हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या करता है, एक शुगर के 3rd कार्बन को दूसरे शुगर के 5वें कार्बन के साथ एक बॉन्ड की फॉर्म में बना जोड़ देता है, जिसको हम कहते हैं बैक बॉन्ड के तौर पर काम कर रहा है। These are the bonds that hold sugar phosphate. ये वो बॉन्ड होते हैं जो sugar phosphate को आपस में जोड़ के रखते हैं इन अ DNA molecule, ठीक है। So that is it. फिर इंशाल्लाह that is एक और टॉपिक रह गया हमारा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड स्ट्रक्चर ऑफ DNA, ये छोटा सा टॉपिक है। और उसके बाद ये जीन्स का टॉपिक है एंड देन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, और हमारा चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बल्कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड को भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हो, ठीक है। DNA RNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड के एक एग्जांपल हैं, और इनके बहुत सारे रोल्स होते हैं। DNA बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना है, या हेरिडिटी, यानी कोई कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से अपने आगे पेरेंट्स से उनकी लाइक जो औलाद वगैरह है उनमें ट्रांसफ़र करना है, तो हेरिडिटी इसको कहते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो DNA में होती है इन फॉर्म ऑफ कोड। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है इट इज़ इनकोडेड इन DNA इन फॉर्म ऑफ कोड्स। तो दैट इज़ इट, इंशाल्लाह DNA को हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए।